Welcome back to the new video lecture of class 10th, linear equation in two variable. Previous videos में we have covered the word problems, two types we have already covered. Now in today's lecture we are going to cover two more different types of word problems. That is based on number, एक ये type है and another type is based on geometry. अब आप बोलोगे सर algebra में geometry किधर घुस रहे हो? Linear equation तो algebra का part है, तो ये मैथ से बेटा ये कहीं पे भी कुछ भी जा सकता है. इवन आप देखोगे तो साइंस में भी मैथ चले जाता है, तो मैथ जो है वो इधर उधर चले जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एलजेब्रा में ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं, सेकेंड टाइप में कवर करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन नंबर्स. अब ये जो बेस्ड ऑन नंबर्स है, इसमें टू डिजिट वाले नंबर्स जो है, टू डिजिट नंबर बेस्ड एक सम्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो बैक ऑफ द टाइम हमने क्लास 8 में सीखा था, वो क्लास 10th में हमको सीखने मिलेगा. अब ये जो टू डिजिट वाले सम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में हो सकते हैं, 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं. तो डायरेक्टली टू डिजिट पे नहीं जा रहा हूं. एक्सरसाइज में और एक सम है, एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हम देख लेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू टू डिजिट नंबर. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आते होंगे. क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, फाइंड द नंबर. तो अगेन हमको यहाँ पे दो कंडीशन है, वही रूल याद रखना है. 2 बार वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसको हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग एक्स और वाई असाइन कर देंगे एंड देन इक्वेशंस बनाएंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में बोला है दैट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. अब आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस बिटवीन नंबर है वो 26 है और ऊपर से वो पॉजिटिव 26 है. तो पॉजिटिव कब आएगा डिफरेंस? जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ होगा तब, राइट? मैथ्स का बेसिक है, अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन में आंसर आता है, माइनस में आंसर आता है. बट यहाँ पे बोला है पॉजिटिव 26, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 नंबर अलग अलग हैं, एक है बड़ा नंबर, एक है छोटा नंबर. तो वी नीड टू फाइंड दोज नंबर्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे? लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. पहले ही लिख देंगे डिफरेंस हुआ है, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ है. कैसे पता चला? पॉजिटिव आया था. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट, एक कंडीशन दिया हुआ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 दैट डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, डिफरेंस मतलब माइनस, सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, है ना? डिवाइडेड डिविजन और टाइम्स, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा आया तो इनटू. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 गिवन है. इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अनदर इक्वेशन इज गिवन टू यू. अनदर इक्वेशन में बोला है वर्ड प्रॉब्लम में दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर. अब स्टूडेंट्स एक नंबर जो है वो 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब आपको पता है लार्जर नंबर ही छोटे नंबर का ज्यादा हो सकता है, यस और नो? तो वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब जो लार्जर नंबर रहेगा वो 3 गुना ज्यादा रहेगा. तो लार्जर नंबर है एक्स, इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू स्मॉलर नंबर. यहाँ पे स्मॉलर नंबर नहीं बोला है, वन नंबर एंड अदर नंबर है. तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि भाई देख बड़ा नंबर है तो वो 3 टाइम्स छोटा नंबर होगा, वो बड़ा ही होगा. तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3y हो गया यहाँ पे. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी हो जाएगा. तो जरूरी नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा एलिमिनेशन मेथड करना है. अगर आपको डायरेक्ट कुछ x या y का वैल्यू मिल रहा है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है. x के बदले में क्या लिख सकता हूं? x के बदले मैं लिखूंगा 3y. तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. 3y माइनस वाई विल बी 2y. 2y इज इक्वल टू 26. वाई इज इक्वल टू 30. 26 डिवाइड बाई 2 30. तो y का वैल्यू मिल चुका है डायरेक्ट एलिमिनेशन के बिना. तो जरूरी नहीं है हर टाइम शादियां कराते रहो, सीजन भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही शादी करा देंगे. हाँ, तो याद रख लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप हो रहा है पॉसिबल है तो करो. अब y इज इक्वल टू 13 हो गया, x का वैल्यू चाहिए तो x यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 13 3 39। तो दोज टू नंबर्स आर 39 एंड 13। तो बड़ा नंबर 39 है, छोटा नंबर 13 है। तो आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझा है। लेट अस स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टाइप दैट इज 2 डिजिट नंबर ही है, उसमें नंबर पे बेस्ड है लेकिन 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कुछ इजी चीजें करके लाया हूं। आपको क्या करना है, व्हेनेवर एग्जाम में इफ दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट 2 डिजिट नंबर, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट 4 थिंग्स। टोटल आपको 4 चीजें लिखनी पड़ेगी एज इट इज, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड। तो सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 डिजिट 45, तो क्या ये 2 डिजिट नंबर है? हाँ। अब ये जो 45 है स्टूडेंट्स आपको पता है, ये इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? यूनिट्स प्लेस बोलते हैं या वंस प्लेस भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे टेंस प्लेस। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो 2 प्लेसेस से बनता है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। इतना याद रख लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ये लिखने वाला हूं। और टुगेदर दिस नंबर बिकम्स 45। अब स्टूडेंट्स ये जो 5 है इसको हम बोलते हैं डिजिट, और ये जो 4 है उसको भी हम बोलेंगे डिजिट, क्योंकि 5 एक डिजिट है, 4 भी एक डिजिट है, दोनों जुड़ गए हैं तो हमको मिला है 2 डिजिट नंबर। कितने डिजिट? 2 डिजिट। कौन से डिजिट? 4 और 5। तो इफ 4 एंड 5 आर कंसिडर एज अ सिंगल थिंग देन दे आर कॉल्ड एज डिजिट, एंड इफ दे कम टुगेदर दे बिकम 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे और एक चीज बता दूं, ये आपने बचपन में सीखा ही होगा, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो 5 है वो यूनिट्स प्लेस पे होता है और जो 4 है वो टेंस प्लेस पे होता है, तो उसको इंटू 10 करते हैं, तो 4 इंटू 10 40 प्लस 5 45। ऐसे आपका 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। तो याद रख लेना, जो यूनिट्स प्लेस पे होता है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, और टेंस प्लेस पे होता है वो डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 डिजिट नंबर रेडी हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। 4 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, इफ दे कम टूगेदर उसमें भी मैं 4 को मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा और टेंस प्लेस के डिजिट को हम लोग यूनिट्स प्लेस से ऐड कर देंगे तो 45 मिल जाएगा। तो आई होप दिस बेसिक इज क्लियर। तो कंफ्यूज मत होना, डिजिट अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। डिजिट सिंगल सिंगल होता है, नंबर जुड़ने के बाद बनता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दोस 4 थिंग्स दैट वी नीड टू राइट बाय डिफॉल्ट व्हेन यू फेस अ नंबर अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे देखो, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट को हमने एक्स अज्यूम किया है। जैसे कि ये यूनिट प्लेस का डिजिट है तो हमने उसको एक्स अज्यूम किया बिकॉज वी डोंट नो। द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, जो डिजिट टेंस प्लेस पे उसको हमने y लिया है, यहाँ पे जैसे 4 है वैसे हम लोग ने y लिया हुआ। तो डिजिट दोनों अलग अलग है, x और y की आइडेंटिटी अलग अलग है खुद की, ठीक है। देन अब 2 चीज और लिखने वाला हूं विच आर वेरी स्पेशल फॉर दिस सम। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, अब हम ये डिजिट का यूज करके क्या बनाने वाले हैं? 2 डिजिट नंबर। जैसे मैंने बताया था हम यूनिट्स प्लेस को वैसे ही का वैसे ही रखेंगे और टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x, या आप x प्लस 10y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं x को पहले लिख देता हूं यूनिट्स प्लेस प्लस 10y। जैसे मैंने 45 का आपको बताया था, ये 5 होता है, ये 4 इंटू 10 होता है, तो टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई बाय 10 करके ऐड करेंगे तब जाके आपको 2 डिजिट नंबर मिलता है। तो 2 डिजिट नंबर कैसे आया समझा आपको? यूनिट्स प्लेस कीप एज इट इज प्लस टेंस प्लेस इंटू 10 करके ऐड करोगे तब डिजिट जो है वो आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करके देंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। अब और एक चीज है इसमें, स्पेशल चीज है ये भी, रिवर्सिंग द डिजिट्स। reversing the digit and 2 digit number। अब हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं हमारे डिजिट को। तो पहले हमारा जो नंबर था वो 45 था, अब डिजिट अल्टी पल्टी हो जाएंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 54। यस और नो? तो अगर ये नंबर 54 हो गया इसका मतलब अब हमारा जो यूनिट्स प्लेस है उस पे 4 आ गया, टेंस प्लेस है उस पे क्या आ गया 5 आ गया, तो डिजिट अल्टी पल्टी हो गया। तो यहाँ पे भी आपको ये जो 2 डिजिट नंबर है उसको अल्टी पल्टी करना है। तो आपको खाली इतना याद रखना है, मेरे को 10 को यहां से यहां शिफ्ट करना है तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस 1। पहले नंबर 45 था, अब नंबर 54 है। कैसे हुआ? डिजिट अल्टी पल्टी हो गए। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले x कंगाल था और y मालामाल था, क्यों? y के पास 10 था। और अब नेक्स्ट में डिजिट पल्टी हो गया। समय सबका बदलता है, आपका भी एक बार समय बदलेगा, है ना? तो आप बच्चों का भी बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो वैसे सबका टाइम आएगा। 10x प्लस y, ठीक है? तो ये जो 10 है वो x के साथ चले जाएगा और y कंगाल हो जाएगा। तो ऐसा आप याद रख सकते हो। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर में आपको नंबर अल्टी पल्टी करना है। कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि जो 5 था अभी वो 10s प्लेस पे चले गया, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो भी 10s प्लेस पे चले गया तो 10x हो गया और यहाँ पे y अकेला रहेगा। तो ये 4 चीजें आपको एज इट इज लिखनी ही पड़ेगी जब आपका 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आया। तो एकदम इजी है, यूनिट्स प्लेस x, टेंस प्लेस y, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई बाय 10 करके ऐड कर देंगे। रिवर्स में आपको खाली चेंज कर देने हैं पोजीशन। तो मैं आपको इसके लिए शॉर्टकट दिया था कि पहले जो y था वो मालामाल था, x कंगाल था, अब नेक्स्ट में x मालामाल हो जाएगा, y कंगाल हो जाएगा। तो ये हो गया 4 बेसिक लाइन, ये आपने कर ली तो आपके लिए कंडीशन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन 3.4। सेकेंड का थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है, 2 पार्ट में क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों कंडीशन में ध्यान से पढ़ने का, वो लोग एक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ डिजिट के बेस पे देते हैं, ये डिजिट का बेस है, ठीक है? और दूसरी कंडीशन नंबर पे बेस्ड होती है। तो जो डिजिट पे बेस्ड होती है उसमें आपको एक्स और वाई ही लेना है, उसमें आपको इस नंबर पे जाना ही नहीं है। एंड सेकेंड कंडीशन देंगे तो आपको नंबर पे बेस देंगे, तो उसमें आपको डिजिट में नहीं जाना है, ठीक है? तो डिजिट अलग रखो, नंबर्स अलग रखो। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.4, सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है, लेट अस स्टार्ट विद दैट। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट मतलब डिजिट की बात की है तो नंबर पे नहीं जाने का। आगे, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब नंबर की बात की है, मतलब इन दोनों की कंडीशन। तो आपको हमेशा याद रखना है, 1 कंडीशन इज ऑलवेज ऑफ डिजिट, अनदर कंडीशन इज ऑलवेज ऑफ नंबर्स। गड़बड़ नहीं करना, मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके दिया है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 बोला है सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मतलब x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, इनका सम, सम मतलब एडिशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। तो ये इतना इजीली कैसे तैयार होता है, जब हमारा फ्रेमवर्क रेडी होगा तब। और वो फ्रेमवर्क कौन देंगे? मैं, है ना? तो फ्रेमवर्क आपको दिया है तो थोड़ा हजम कर लो अच्छे से एंड देन स्टार्ट करो, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। नाउ वी आर मेकिंग अनदर इक्वेशन, अनदर कंडीशन दिया हुआ है। 9 टाइम्स अ नंबर, 9 टाइम्स अ नंबर, 9 टाइम्स मतलब 9 × नंबर, मतलब कौन सा नंबर? नॉर्मल नंबर, x प्लस 10y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या मिला है? 10x प्लस y। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट द कंडीशन विल बी ऑफ, 1 कंडीशन विल बी ऑफ डिजिट्स जैसे ये है, एंड अनदर कंडीशन इज ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो वो मैंने लिख दिया है, अब उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट मिला था, ये डायरेक्ट नहीं मिला है। तो 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब हम लोग चेंज कर देंगे पार्टनर्स, यहाँ पे 9x भेज देता हूं, यहाँ पे 2y भेज देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 99y माइनस सॉरी 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। 90y माइनस 2 कितना हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x विल बी 11x। अब यहाँ पे और रिड्यूस हो रहा है, देखो आप 11 को यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी हो गया ना, x और y के फॉर्म में ही और कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं x के फॉर्म में ले लेता हूं 88y अपॉन 11 करके, तो ये 11 और 8 कट हो रहा है तो कट कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 8y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना इजी। अब क्या करोगे, सर ने बोला हर टाइम शादी कराने की जरूरत नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी पड़ेगा तो करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x के बदले 8y लिख दो, 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1। अब y 1 मिल गया तो सब्स्टिट्यूट करो भाई, y 1 मिल गया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो x इज इक्वल टू 8y, 8 इंटू 1 तो आंसर आएगा 8, तो x का वैल्यू मिल गया 8, y का वैल्यू मिल गया 1। अब x और y का वैल्यू मिल गया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमको 2 डिजिट नंबर ढूंढना है, तो आपको ढूंढना है 2 डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है x और y की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं ये पूरा निकाल देता हूं अच्छे से आपको समझेगा, तो आई एम रिमूविंग दिस, ये आपको आई गेस आप कर लोगे कैलकुलेशन खुद से, आई मीन पूरा कैलकुलेशन मैंने ही कर दिया था, आप कॉपी करना है सिर्फ, ऐसे भी कॉपी करने में तो हम मास्टरी होते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे, तो 2 डिजिट नंबर का कंडीशन क्या था x प्लस 10y, x का क्या वैल्यू मिला 8 प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या मिला 1, तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, तो वो नंबर कौन सा था 2 डिजिट नंबर 18, तो मनुस नंबर कौन सा था 18, थोड़ा ज्यादा मेहनत लग गया। प्लीज सॉल्व एग्जाम्पल 13 पेज 56 टेक्स्ट बुक का। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 2 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट यू विल गेट टू नो। क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स देख लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन सेज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मतलब आपको पहले कंडीशन में ही आपको बोला है डिजिट नंबर के बारे में कंडीशन दिया हुआ है दैट सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 66। एंड सेकेंड कंडीशन में बोला है डिजिट्स के बारे में दैट डिजिट्स आर, या तो डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स क्या है डिफर बाय 2, मतलब उनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। हम लोग को बोला है फाइंड द नंबर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन तो 2 डिजिट नंबर का ही है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 द 2 डिजिट नंबर का सम एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर का सम, मतलब x प्लस 10y और 10x प्लस वाई इन दोनों का सम 66 है ऐसा बोल रहे हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो x इंटू 10x प्लस 10x विल बी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। कैन आई टेक 11 कॉमन, अगर मैं यहां से 11 कॉमन ले लूंगा तो 11 कॉमन x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई 11 डिविजन में चले जाएगा तो 6 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गया एकदम इजीली। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, सेकंड कंडीशन को ध्यान से देखें तो डिजिट्स डिफर बाय 2, इसका मतलब ये जो डिजिट है उनके बीच में डिफरेंस 2 का है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि x में से y डिफरेंस है 2 का या y में से x डिफरेंस है 2 का। अब आपको तो थोड़ी सपना आएगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है, कोई भी नंबर बड़ा छोटा हो सकता है। इसके पहले वाले में सबसे पहले सब में तो बताया था स्मॉलर और लार्जर नंबर कि भाई बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स अदर है, तो हमने उधर स्मॉलर लार्जर को कंपेयर किया था। बट यहाँ पे डिफरेंस में स्टूडेंट्स दे डिफर बाय 2, मतलब या तो x बड़ा होगा या तो y बड़ा होगा, दैट वी डोंट नो। तो इधर गड़बड़ हो गया कि भाई अपन को x माइनस वाई लेना है कि y माइनस x लेना है। इवन आरडी शर्मा भी भाई गड़बड़ हो गए, आरडी शर्मा में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि भाई क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे आरडी शर्मा ने दिमाग लगाया है, जैसे सोल्यूशन ने सबने दिमाग लगाया है, आप इधर दो कंडीशन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 64, तो ये 64 या 46 दोनों में से कोई भी नंबर ले लो, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 ही होगा, यस और नो। अब आपको थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा नंबर है, 64 भी आ सकता है 46 भी आ सकता है, यस और नो। मतलब एक कंडीशन में दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में हमारे डबल आंसर आते हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे आते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन ले लिया मैंने, x माइनस वाई 2 हो सकता है और y माइनस एक्स 2 हो सकता है। हमको सपना आया नहीं था कि कौन कितना बड़ा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों कंडीशन कंसिडर करेंगे। तो टर्न बाय टर्न आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन विथ फर्स्ट दिस, पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, डायरेक्ट कट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x का आंसर 4 आ गया, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आ गया। तो इधर x का आंसर 4 और y का आंसर 2 आ गया, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या बन गया, ये पहला कंडीशन से बना है। देयरफॉर आपको एग्जाम में दोनों कंडीशन लिखना पड़ेगा, तो 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू आपका 2 डिजिट नंबर है x प्लस 10y, x का वैल्यू मिला है 4, y का वैल्यू मिला है 2, तो 4 प्लस 20 दैट इज 24। तो आपको एक जो नंबर मिला है वो है 24। नाउ लेट अस सॉल्व अनदर कंडीशन। अब आपको सेकेंड में कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड में कंडीशन लेना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के साथ आपको दूसरा कंडीशन लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप खुद से लिख देना स्टूडेंट्स ये सारी चीजें। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड कंडीशन इन विच फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 रिमेन्स एज इट इज, बट आपको नेक्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखू तो x को आगे ले लेता हूं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है ना। समझा क्या किया मैंने, y माइनस एक्स था तो x को आगे ले लिया, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, ये गया y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, y इज इक्वल टू 4। पहले वाले में y का आंसर 2 आया था, अभी देखो y का आंसर चेंज हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x का आंसर 2, y का आंसर 4। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड टू फाइंड अनदर 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y में ही सब्स्टिट्यूट करना है, x के बदले 2, y के बदले 4, तो 2 प्लस 40 दैट इज आंसर इज 42। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर 2 digit number can be 42 और 24। तो आपको पता चला इन दोनों में डिफरेंस 2 का ही है, देख लो है ना, और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको 66 आंसर आएगा। तो याद रख लेना स्टूडेंट्स, कभी कभी 2 डिजिट नंबर में ड्यूअल आंसर भी पॉसिबल है। अनदर टाइप दैट इज टाइप 4 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ये मानता हूं कि अगर आपको ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यू ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, इफ पॉसिबल उसका फिगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका अच्छे से सोल्यूशन मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे हम लोग को 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री पे बेस्ड करने हैं। अब स्टूडेंट्स जहां जहां पे इक्वेशन बहुत ईजी होंगे वहां पे आप सॉल्विंग खुद से कर लेना, मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के दूंगा, और जहां पे इक्वेशन बड़े नंबर्स के होंगे वहां पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी और बोलोगे क्या भेजा खा रहे हैं सर, है ना, ऐसे तुम बोलोगे, तो आई डोंट वांट दैट। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन ज्योमेट्री पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 5 है। अब यहाँ पे बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन में ड्रॉ करना चाहूंगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन में ड्रॉ कर देता हूँ। बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, इज 36, मतलब हाफ द पेरीमीटर इज 36। क्वेश्चन हम समझना ध्यान से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of garden. ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, दोनों में इक्वेशंस कंडीशंस मिक्सअप कर दी है, तो ध्यान से हम लोग लिखते जाएंगे। तो पहले यहाँ पे कंडीशन लेंथ और ब्रेथ की बना लेते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ अननोन है। लेट द लेंथ ऑफ अ गार्डन बी x मीटर, तो मैं यहाँ पे लेंथ को यहाँ पे x मीटर लिख देता हूं। एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ब्रेथ बी y लिख देता हूं, y मीटर। क्लियर। अब कंडीशन में बोला है दैट लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेंथ x इज, मैंने आपको बताया था इज वॉज विल गिवन इक्वल टू, उसमें आपको इक्वल का साइन डालना है, x लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, तो ब्रेथ ये है 4 मीटर ज्यादा, 4 ज्यादा है। सपोज लेंथ 10 है तो ब्रेथ 4 ज्यादा है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 4 ज्यादा ऐसा बोला है, तो लेंथ इज 4 मीटर मोर। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये भी आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन टाइप में फिट हो रहा है इसके लिए। अब नेक्स्ट है दूसरा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड। यहाँ पे कंडीशन सेकंड बन रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36। हाफ द पेरीमीटर, तो पहले मुझे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन बता सकते हो। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आता है? वेरी गुड, 2l+b, राइट। और हमारे इसमें आएगा 2x+y, बराबर। अब हम लोग को बोला है हाफ द पेरीमीटर, तो कंडीशन बनाएंगे हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर है 2x+y, उसका हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, इज मतलब इक्वल टू 36। 2 कट हो रहा है, कर दो, x+y इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया। अब स्टूडेंट्स आप इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देना। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट, क्यों? क्योंकि x डायरेक्ट रेडी है, x के बदले यहाँ पे डाल देंगे y+4। ये एकदम इजी है, तो आप कर लोगे ना। हाँ, तो x इज इक्वल टू y+4, तो यहाँ पे x के जगह पे y+4 डालोगे। मैं ओरली करके बताता हूँ, y+4 y+y हो जाएगा 2y+4 इज इक्वल टू 36। 4 हो जाएगा 36 - 4 32, 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 16। y का वैल्यू 16 मिल गया, इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो x इज इक्वल टू y+4 16 + 4 20। कुछ नहीं समझा तो करो ना, खुद से कर लेना। तो x और y का वैल्यू आपको ऐसे ही मिलेगा। तो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। 3.3 थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है यहाँ पे। लार्जर नंबर फ्रॉम द टू सप्लीमेंट्री, सॉरी लार्जर एंगल्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, क्वेश्चन दिख रहा है। लार्जर एंगल्स फ्रॉम द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट अ स्मॉलर एंगल बाय 18। मतलब जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में से, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर नंबर को एग्जिस्ट करता है 18 से, मतलब वो 18 उससे बड़ा है, ऐसा बोला गया है। हम लोग को बोला है फाइंड द एंगल्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन छोटा है, शॉर्ट एंड स्वीट है। यहाँ पे कंडीशंस छुपी हुई है, आपको 2 कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन लिखने से पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल by। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहला कंडीशन तो आपके पकड़ में आ गया कि भाई लार्जर जो एंगल है वो एग्जिस्ट करता है स्मॉलर को by 18, मतलब लार्जर नंबर x y से 18 ज्यादा है। इक्वेशन नंबर 1, ये आपको पहला कंडीशन मिल गया एकदम इजीली। और सेकेंड कंडीशन जो है वो हिडन है। अगर आप दिमाग लगाओगे, आंखें खुली रखोगे, कान खुले रखोगे, दिमाग चालू रखोगे, तो आपको समझेगा कि यहाँ पे वो लोग ने मेंशन किया है दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है, इफ इट इज कॉम्प्लीमेंट्री देन दोनों सम जो रहेगा वो क्या रहेगा, x+y 90 होगा। इफ इट इज सप्लीमेंट्री, इधर सप्लीमेंट्री दिया तो दोनों का सम क्या होगा, 180। हमने सीखा है क्लास 9th में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स में, हम लोग ने और भी चैप्टर सीखे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में भी हमने सीखा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में सम ऑफ दिस टू सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो अच्छा पड़ेगा। x के बदले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना y+18, सॉल्व करोगे y का आंसर मिलेगा, y मिलने के बाद x का आंसर मिल जाएगा। तो दिस सम ऑल्सो यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, इट इज वेरी वेरी इजी। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन। इट इज बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसके बारे में है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ वी डिक्रीज द लेंथ बाय 5 मीटर and increase the length, increase the breadth by 3 मीटर। 5 से रिड्यूस करना है लेंथ और 3 से ब्रेथ बढ़ा देना है, तो एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, दोनों में इंक्रीज हुआ है, देन द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो दो कंडीशन अलग अलग है, लेंथ और ब्रेथ है, रेक्टेंगल है, तो हम लोग को यहां पे लिख देना पड़ेगा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट्स एंड ब्रेथ बी वाई यूनिट्स। ये आप पहले लिख दो। अब यहां पे कंडीशन में एरिया के बारे में बोल रहे हैं, तो एरिया भी हम लोग ढूंढ लेंगे। सो इफ We need to find the area of rectangle, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने यहाँ पे x और y अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा x y। Why we have taken area here? Because कंडीशन में एरिया के बारे में बताया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज बोल देता हूँ, एक कॉमन सेंस है। अगर आप लेंथ और ब्रेथ में छेड़खानी करोगे तो ऑब्वियसली एरिया कम ज्यादा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे भी वो लोग ने वही किया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इफ, क्या बोला है, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, तो ओरिजिनल लेंथ हमारा क्या था x, अब क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, तो x माइनस 5 हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, -5, तो ये हो गया आपका नया लेंथ। देन बोला है ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, अगर मैंने ब्रेथ इंक्रीज कर दिया, ओरिजिनल y था अभी +3 हो गया, तो ये मेरा न्यू ब्रेथ हो गया। ये रिजल्ट से क्या होगा, ये रिजल्ट से जो आपका एरिया है वो रिड्यूस हो गया 9। तो एरिया ओरिजिनली कितना था xy, अब वो रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हो गया, 9। तो एरिया जो है वो मेरा रिड्यूस हो गया xy -9, मतलब जो एरिया था उससे 9 कम हो गया। अब आपको पता है लेंथ, ब्रेथ और एरिया में क्या रिलेशन है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। दिस इज ऑब्वियसली न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ एंड न्यू एरिया। तो आई होप आपको कंडीशन समझा कैसे बनाया। क्या था, लेंथ इंक्रीज बाय 5, ब्रेथ रिड्यूस बाय 3, सॉरी लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, देन एरिया रिड्यूस बाय 9, ऐसा बोला है, तो एक्स वाई -9 हो गया। और ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं। आपको बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन आता होगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5y माइनस 15। इक्वेशन यहाँ पे बराबर बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लेके आता हूं, तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस xy प्लस xy गया, तो xy आएगा ही नहीं लीनियर इक्वेशन में। अब बचा क्या, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, माइनस 15 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। नाउ विल मूव ऑन टू अनदर इक्वेशन। अनदर इक्वेशन व्हाट इट सेज, वापस हमने कीड़ा कांडी किए हैं लेंथ और ब्रेथ में। अब क्या बोला है, लेंथ इज इंक्रीज बाय 3, तो पहले लेंथ था x, अब 3 इंक्रीज हो गया। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2, ब्रेथ भी इंक्रीज कर लिया, लो। एरिया विल ऑल्सो गेट इंक्रीज बाय 76, तो एरिया पहले xy था अभी 76 बढ़ गया। अब इन तीनों में रिलेशन आपको पता है, रिलेशन क्या है, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया। तो ये मैंने बना दिया। यहाँ पे वापस बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। यहाँ पे सारी चीजें लेके आते हैं, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 67 इक्वल टू 0। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई गया। अब क्या बचेगा, देखो स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y +6 - 67 ध्यान से करना, +6 - 67 will be -61 equal to 0. 2x plus 3y is equal to 61 equation number 2. तो ये हो गया मेरा दो इक्वेशंस. नाउ लेट अस सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. बड़े हैं इसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस. पहला इक्वेशन क्या मिला है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो. पहला इक्वेशन क्या मिला है 3x minus 5y is equal to 6. अनदर इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to 61. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पंडित जी की शादी करवानी पड़ेगी. सब्स्टिट्यूशन तो लग नहीं रहा है, तो पंडित जी की शादी करवाने के लिए लड़का लड़की चाहिए. तो यहाँ पे y अवेलेबल है बट कोएफिशिएंट मैच नहीं है, तो कोएफिशिएंट को हम लोग मैच कर देंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पे कोएफिशिएंट को मैच कर दो. तो कोएफिशिएंट को मैच करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा. पूरे इक्वेशन को करना है. 3 3 क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18. 5 इंटू टू विल बी 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 × 1 5, 5 × 6 30, 305 आ जाएगा. अब इसको हम लोग पंडित जी शादी करवाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 305 प्लस 18 करेंगे तो 3 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 323. तो x इज इक्वल टू 323/19. अब ये 19 से रिड्यूसेबल है स्टूडेंट्स. यस इट इज रिड्यूसेबल विद द 19. देख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो x इज इक्वल टू हम लोग को पता है 19 1 करेंगे तो 19 1 आ जाएगा, 19 1 19 आ जाएगा. 32 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 32 - 19 तो दिस विल बिकम अगेन आप देखोगे तो दिस विल बिकम 13. तो ये हो जाएगा आपका 133. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक मिनट मैं डायरेक्टली डिवाइड ही करता हूं. चलो तो 19 1 19. यहाँ पे बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो 3. यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 13. यहाँ पे बचेगा 133 एंड देन 19 133 है तो 19 व्हाट जा 133. तो 19 चेक करता हूं मैं 7 जा चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 133. यस तो ये आ गया आपका 19 17 जा. तो ये हमको रट्टा नहीं मारते हम लोग स्टूडेंट्स. मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया है. 19 17 जा तो x इज इक्वल टू 17 आपको मिल जाएगा. अब x इज इक्वल टू 17 मिल गया तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इजी इक्वेशन. तो मैं यहाँ पे पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. तो 3 × 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6. 17 3 = 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6. 5y को इधर ले लो, 6 को इधर ले लो तो 51 माइनस 6 इज इक्वल टू पॉजिटिव 5y हो जाएगा. 51 में से 6 गया तो 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 5y. y इज इक्वल टू 45/5 तो यह आ जाएगा 5 9 तो इसका डायमेंशन मिल गया 9 यूनिट्स. तो यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलिए. y इज इक्वल टू 9 यूनिट्स. यहाँ पे x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स. अगर आपको एरिया भी ढूंढने बोलते तो हम लोग एरिया ढूंढ सकते थे. ओरिजिनल एरिया इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 17 × 9 तो 17 × 9 आपको मिल जाता था 9 × 153 यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स. तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर एरिया ढूंढने बोला है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. तो आई होप आपको दोनों भी टाइप अच्छे से समझे हैं. मैंने बहुत इस पे भी एफर्ट्स डाले हैं. तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इसे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग.